नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। बड़ी खबर आ रही है, डीएल गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियमों में होगा बदलाव। स्कूल वैन और बस को लेकर एचआरडी मिनिस्टर ने बनाए नए नियम। 5 जून से जनधन खातों में आएंगे 500 रुपए, पैसा निकालने के होंगे नए नियम। बिहार के लोग भी हो जाए सावधान, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बिहार में विसर्ग साइक्लोन, अब आ गया है ऐतिहासिक कानून, अब हर किसान अपनी फसल से बनेगा मालामाल। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जितने सुरक्षित विमान में सफर करेंगे भारत के भी प्रधानमंत्री। दोस्तों, इन सभी बड़ी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर, डीएल गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियमों में होगा बदलाव। सरकार कर रही है तैयारी की, ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहन के रजिस्ट्रेशन, वाहनों में खराबी तो कंपनी पर 10 लाख तक का जुर्माना। यहां तक कि मंत्रालय ने सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी है कि नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन, पुराने वाहनों को वापस बुलाने और ड्राइविंग लाइसेंस पर भी सुझाव मांगे हैं ताकि चेंज कैसे और क्या क्या किया जाए। दूसरी बड़ी खबर, स्कूल वैन और बस को लेकर एचआरडी मंत्रालय ने बनाए नए नियम। ऑटो पर लग सकती है रोक, कई स्कूलों के बच्चे ऑटो से आते जाते हैं, ऑटो में बच्चों को ठूंस ठूंस कर बैठाया जाता है, ऐसे में ऑटो से स्कूल आने जाने पर रोक लग सकती है। सभी स्कूलों से इस संबंध में राय मांगी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से छात्र छात्राओं के स्कूल आने जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 55 सीटर वाली बस में एक साथ 25 बच्चों को ही बैठाया जाएगा, एक सीट पर एक विद्यार्थी बैठेगा। यह नियम 1 और 2 सीट दोनों पर ही लागू होगा। वहीं स्कूल वैन में एक सीट पर 2 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। स्कूल बस और वैन में विद्यार्थी के बीच 2 फुट का अंतर होना चाहिए। बस में बैठने के दौरान सभी बच्चों को मास्क और ग्लव्स लगाना अनिवार्य है। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा स्कूल बस और वैन के लिए यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, 5 जून से जनधन खातों में आएंगे 500 रुपए, पैसा निकालने के होंगे नियम। लॉकडाउन के बीच गरीबों को राशन और आर्थिक मदद देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ इस महीने भी जनधन खाता धारकों को मिलेगा। 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल चुकी है। इसके तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला खाता धारकों को 500 रुपए जून की माह की किस्त बैंकों में भेजी जा रही है। इसके लिए बस आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है कि आपके खाते में पैसे आए हैं नहीं, इसके लिए आप अपने बैंक अकाउंट का लास्ट डिजिट नंबर जानते हैं तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इस डेट के हिसाब से आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। जो नीचे तारीख दे रखा है 5 जून को, आपका अकाउंट का लास्ट डिजिट 0 या 1 है तो 5 जून को आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। इसी तरह 6 जून को अगर आपके अकाउंट का लास्ट डिजिट 2 या 3 है तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। भारत सरकार 500 रुपए डाल रही है। चौथी बड़ी खबर, बिहार के लोग हो जाएं सावधान, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बिहार में भी निसर्ग साइक्लोन, महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट से बुधवार को टकराने वाले तूफान निसर्ग का असर बिहार में भी दिखेगा। गुरुवार की शाम से बादल छाएंगे और कुछ कुछ जगहों पर बारिश होगी, जबकि शुक्रवार को लगभग पूरे पटना सहित बिहार में आंधी चलेगी और बारिश हो सकती है। 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी भी चलेगी, कहीं कहीं ठनका भी गिर सकता है। पांचवी बड़ी खबर, आ गया है देश में ऐतिहासिक कानून, अब हर किसान अपनी फसल से बनेगा मालामाल। वन नेशन वन एग्री मार्केट कानून को मिली मंजूरी। आखिरकार किसानों के लिए वो खबर आ ही गई जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने मंडियों और इंस्पेक्टर राज को हटाने वाले कानून को लागू कर दिया है। अब देश का किसान भी अमीर बनेगा, उसे अपने अनाज को कहीं भी बेचने की आजादी होगी। छठी बड़ी खबर, अब अमेरिका राष्ट्रपति जितने सुरक्षित विमान में सफर करेंगे भारत के भी प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए बेहद खास विमान बोइंग 777 सितंबर तक भारत आने की संभावना है। इस मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया कि मिसाइल अटैक से भी सुरक्षित ये विमान सिक्योरिटी फीचर के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान जैसे होंगे।